HyperOS 2.0 का नया फीचर और चेंजेस के बारे में बात करने वाले। अगर आपको जानना है तो वीडियो स्किप मत करो, पसंद आता है वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करो और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो HyperOS 2.0 का नया अपडेट के साथ आपको नया आइकन्स शायद देखने को मिल सकता है, या नया आइकन्स नहीं तो आपको नया आइकन्स भी कस्टमाइज करने का ऑप्शंस शायद ऐड हो सकता है iOS जैसा। आपको देखो आपको पता है कि Xiaomi को आदत है थोड़ा सा iOS से मतलब लुक लेना या बेसिकली कॉपी करना, तो वो इस बार भी हो सकता है मेरे को जितना लग रहा है। और ऐसा कुछ आइकन्स लीक तो नहीं बट ये कॉन्सेप्ट है और ऐसा कुछ आइकन्स देखने को मिल सकता है। अब शायद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट है और ये डिज़ाइनर जो डाला था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ चेंजेस होगा। और मेरे को भी लगता है कि HyperOS 2.0 में आपको नया आइकन देखने को मिलने वाला, कैसे देखने को मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ये कुछ कॉन्सेप्ट है और जो कि आपको ऐसा आइकन्स के साथ थीम भी थीम स्टोर में देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं ये आता है ऑफिशियली या नहीं आता है, कि बस ये एक कॉन्सेप्ट है, रूमर है जो कि ऑब्वियसली इधर उधर से आता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया आइकन्स या आइकन कस्टमाइज करने का नया ऑप्शन HyperOS के साथ HyperOS 2.0 और Android 15 के साथ देखने को मिल सकता है या आप उम्मीद कर सकते हैं। अब देखो उम्मीद लगा के रखो, शायद कुछ नया देखने को मिल जाए। अब ये मैं शायद ही बोल सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियली तो नहीं कन्फर्म हुआ है और न कहीं एकदम परफेक्ट लीक आ गया है जिसका कि मैं कन्फर्म दे सकूँ या कन्फर्मेशन। और सेकेंड है कंट्रोल सेंटर। देखो कंट्रोल सेंटर में आपका थोड़ा बहुत चेंजेस, स्लाइट चेंजेस, थोड़ा बहुत और यूजफुल फीचर्स ऐड हो सकता है कंट्रोल सेंटर। देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, क्योंकि ये लीक भी काइंड ऑफ लीक ही है और देखते हैं क्या होता है। अब मुझे इसका भी कोई कंफर्मेशन है नहीं, बट हाँ शायद क्या पक्का पक्का हो सकता है। देखो रीड करो तो ये है आपका कंट्रोल सेंटर, ऑल्सो सीम्स टू हैव स्मॉल एडजस्टमेंट विच इज़ बेटर टू यूज़। अब देखते हैं कितना स्मॉल एडजस्टमेंट किया जाता है और कितना बेटर टू यूज़ होता है। और देखो बहुत ज़्यादा क्लोज टू iOS आ ही चुका है कंट्रोल सेंटर, अभी अब ये अपडेट में क्या और क्लोज आता है वो तो चेक करना पड़ेगा। और लास्ट फीचर है, इसका मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो है फोकस नोटिफिकेशन। तो देखो फोकस नोटिफिकेशन काफ़ी काम आ सकता है अगर आप मतलब वर्क प्लेस में हैं या आपको डू नॉट डिस्टर्ब मतलब आपको बस आपका कुछ प्रोफाइल से ही आपका कॉल आए और कुछ ऐप से ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले तो ये आपको iOS में देखने को मिलता है। अब सेम फीचर आपको ऑफिशियली जो Xiaomi में भी ऐड होगा अब ये काइंड ऑफ कन्फर्म ही है, तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली ये जो है फीचर चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पैम नोटिफिकेशंस ईमेल देखने मिलता है। अब ये अगर हो जाएगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कौन सा आपका ऐप और कौन सा आपको जो है मतलब कॉन्टैक्ट से फ़ोन आ सकता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आएगा नया फीचर। और आप ये ट्राई कर सकते हैं जब भी आएगा नया फीचर। और अगर आपको ये वीडियो और ये मतलब ऑब्वियसली लीक्स पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।